हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केवरली रेल में फाटक मार्ग पर आवागमन सुचारू करने की मांग। केवरली के ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सीमावर्ती केवरली रेलवे गेट 121 के बंद होने से अंडरब्रिज के अधूरे पड़े निर्माण कार्य से ग्रामीणों में रोष घर कर गया। आक्रोशित ग्रामीण आबू रोड तहसील कार्यालय पहुँचे, जहाँ मार्ग बंद होने पर रोष का इजहार किया, आवागमन सुचारू करवाने की मांग की, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। डीएफसी की ओर से रेल ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते केवरली में डीएफसी द्वारा डबल ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। इसी के चलते रेलवे फाटक 121 को बंद कर दिया गया, अंडरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन कार्य काफी समय से बंद है। अंडरब्रिज में मिट्टी पर पानी का भराव है, ब्रिज में गड्ढे बने हुए हैं, आवागमन पूरी तरह से बंद है। ऐसे में ग्रामीणों को आवाजाही में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या समाधान के लिए कई बार डीएफसीए, एनएचआई अधिकारियों, कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को अवगत कराया गया, समस्या समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार प्रशासन की उपेक्षा के चलते ग्रामीणों में रोष घर कर गया। नतीजतन बड़ी संख्या में ग्रामीण आबू रोड तहसील कार्यालय पहुँचे, जहाँ जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार राम स्वरूप जौहर को ज्ञापन दिया, आवागमन के लिए मार्ग सुचारू कराने की मांग की, 20 अक्टूबर तक समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस अवसर पर सरपंच रमेश कुमार मीना, शिव सिंह देवड़ा, जवाहरलाल पुरोहित, रूपा जी देवासी, शैतान सिंह देवड़ा, पर्वत सिंह, पुनमा जी, नरसाराम माली, वार्ड पंच रामा जी भी, हंसराज मेघवाल व भैराराम प्रजापत समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों के हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार वाड़ा, भाजा, भिमाना, वाटेरा व रोहिणा गांव जाने के लिए केवरली के रेलवे फाटक 121 का निर्माण करवाया गया था, लेकिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ माल गाड़ियों के लिए डीएफसी द्वारा डबल रेल लाइन डालने के लिए रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन अंडरब्रिज का निर्माण कार्य लंबे समय से बंद है। ब्रिज में मिट्टी व पानी का भराव हो चुका है, ब्रिज में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। डीएफसी, एनएचआई अधिकारियों, जिला कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। आगामी 20 अक्टूबर तक मार्ग सुचारू नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।